giggles and curls, ribbons and bows. She is adorable from her head to her toes. Hello everyone, welcome to my channel PC Cross Planet. Hair accessories are something जो कि overall look को another level पे लेकर जाता है और इसी से related है हमारा आज का video. आज हम देखेंगे कि कम समय में बहुत आसानी से और बहुत कम पैसे खर्च किए हेयर क्लिप्स हम घर में कैसे बना सकते हैं। मेरे पास कुछ पुरानी टिक टैक क्लिप्स हैं जिनका पेंट निकल चुका है, तो मोस्टली हेयर क्लिप्स बनाने के लिए मैं इन्हीं का यूज करूंगी और कुछ हेयर क्लिप्स के लिए मैं न्यू टिक टैक क्लिप्स यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये गोल्डन कलर का रिबन और इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो है 16 सेंटीमीटर। गोल्डन कलर का ही ये छोटे साइज वाला रिबन भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं यूज कर रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। ये जो हेयर क्लिप हम बनाने जा रहे हैं इसे हम कैजुअल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड पार्टीज में भी किसी भी कलर की ड्रेस के साथ इनको हम पेयर कर सकते हैं। रिबन के सेंटर को मार्क करके हम इसकी दोनों एंड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो स्मॉल साइज वाला रिबन है इसे हम दूसरे रिबन के सेंटर में प्लेस करेंगे और नीडल एंड थ्रेड की मदद से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें एक प्यारा सा बो शेप मिल गया है। इसके सेंटर में जो थ्रेड विजिबल है उसे हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर मोती यूज कर रही हूँ जिसे मैंने सुई धागे से ही स्टिच कर लिया है। अच्छे से इसे इसके बैक साइड में सिक्योर कर लेंगे और हमारा ब्यूटीफुल सा डबल लेयर बो यहाँ पर रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में हम बो को टिक टैक क्लिप के साथ अटैच करना है। यहाँ पर मैं पुरानी क्लिप यूज कर रही हूँ बिकॉज बो से क्लिप पूरी तरह कवर हो जाएगी और जो भी पोर्शन है जहाँ से पेंट निकला हुआ है वो हाइड हो जाएगा। आपके पास अगर हॉट ग्लू गन है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सुई धागा जो कि हर घर में अवेलेबल रहता ही है उसकी मदद से बो एंड क्लिप को आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY हेयर क्लिप बनाने के लिए हम लेंगे ग्लिटर फोम शीट। मैंने पेपर को स्टार शेप में पहले कट कर लिया है और फोम शीट के बैक साइड में इस स्टार को अब हम ट्रेस कर लेंगे। फिर इन्हें हमें कट कर लेना है। इसके बाद हम फेल्ट शीट का छोटा सा पीस लेंगे और इसमें हम दो छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिनमें कि हमें अपनी टिक टैक क्लिप्स फिक्स करनी है। फेल्ट शीट अवेलेबल नहीं है अगर आपके पास तो आप कोई भी कॉटन क्लॉथ यूज कर सकते हैं। देन इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे खासे अमाउंट में ग्लू। इट विल बी मोर बेटर अगर आप कोई भी सुपर ग्लू या एडहेसिव यूज करते हैं एंड देन स्टार्स को हम इनके ऊपर स्टिक कर लेंगे एंड ट्विंकल ट्विंकल स्टार क्लिप्स आर रेडी। इन द सेम वे हम नेक्स्ट क्लिप्स भी बनाएंगे जहाँ पे फोम शीट को हम रेक्टेंगुलर शेप पे कट कर लेंगे एंड अगेन हम फेल्ट शीट को यहाँ पे यूज करेंगे। फेल्ट शीट का साइज मैंने इस बार थोड़ा सा बड़ा लिया है बट फोम शीट से ज़्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए, तो जिस भी साइज या शेप में आप
फोम शीट ले रहे हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा छोटा हम फेल्ट शीट का साइज रखेंगे। अगेन मैं यहाँ पर पुरानी क्लिप्स ही यूज़ कर रही हूँ। द रीज़न इज सेम, फोम शीट के नीचे अच्छे से ये क्लिप्स कवर हो जाएंगी। देन हम लगाएंगे इसमें ग्लू एंड फाइनली हम ग्लिटर शीट को इसमें चिपका लेंगे और हमारे ब्यूटीफुल से स्पार्कली क्लिप्स आर रेडी। नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नेट बैग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब हम खरीदने जाते हैं तो स्पेशली ऑनियंस एंड पोटैटोस आपने कई बार इन बैग्स में पैक देखे होंगे एंड डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पैकिंग के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। एक पीस हम इसका कट कर लेंगे एंड देन इसे हमें फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसके सेंटर पार्ट को हम स्टिच करेंगे। नेक्स्ट इसके साइड्स को हम स्प्रेड करेंगे ताकि एक प्रॉपर शेप इसे मिले। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो इसके कॉर्नर्स को इवन करने के लिए या शेप देने के लिए आप सीजर से ट्रिम कर सकते हैं। फॉर दिस हेयर क्लिप आई विल रिकमेंड कि आप पुरानी क्लिप यूज़ ना करें बिकॉज ये नेट है और इसमें इजीली क्लिप के काफ़ी पोर्शंस विजिबल रहेंगे। इसका लुक और एनहेंस करने के लिए मैं ये हाफ बीट शेप के स्टिकर्स यूज़ कर रही हूँ। इन स्टिकर्स में ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है जिससे कि हम इन्हें डायरेक्टली स्टिक कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें इन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो एडिशनली इसमें ग्लू लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कुछ टाइम बाद निकल जाएंगे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर फेरी बो हेयर क्लिप। नेक्स्ट DIY के लिए मैं सिमिलर टाइप के स्टिकर्स यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने मोती वाले यूज़ किए थे एंड इस बार ये स्टोन्स वाले स्टिकर्स मैं ले रही हूँ। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टिक टैक क्लिप्स के ऊपर हमें ग्लू लगाना है एंड देन एज पर द लेंथ ऑफ क्लिप हम स्टिकर्स को कट कर लेंगे और क्लिप के ऊपर चिपका देंगे। एंड जो गैप इसके बीच में रह जाता है वहाँ पर भी हम एक एक करके स्टिकर लगा लेंगे एंड हमारा सुपर इजी सुपर क्यूट हेयर क्लिप इज रेडी टू यूज। फॉर द लास्ट DIY मैं यूज़ कर रही हूँ सैटिन रिबन। इसके एंड्स को हम फ्लेम में इस तरह लगाकर सील कर लेंगे ताकि जो इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो निकले ना। नेक्स्ट रिबन के एक साइड को हम नीडल से इस तरह स्टिच करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसे ऐसे ही स्टिच करते हुए जाना है। इस DIY के लिए रिबन का लेंथ आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ब्यूटीफुल इसका आउटकम आपको मिलेगा। जब हम इसके दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगे तो इसके कॉर्डर पार्ट को भी हमें स्टिच करना है और फिर हम थ्रेड को पूरा खींच लेंगे। देन बाद में हमें इसे थोड़ा सा अरेंज करना है, एक ब्यूटीफुल सा शेप हम इसे देंगे यहाँ पर। एंड वंस वी आर सेटिस्फाइड विद द शेप, सुई धागे की मदद से हम इसे फिक्स कर लेंगे। नाउ इसके बीच में ये गोल्डन कलर का मोती मैं लगा रही हूँ। एट द एंड बॉटम में नॉट लगाकर मैं इसे सिक्योर कर लूंगी। उसके बाद इसे हम फिक्स करेंगे टिक टैक क्लिप के साथ। एंड लास्टली इसके कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये स्टेप कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। Thank you.
जैसा कि आपने देखा, इन सारे हेयर क्लिप्स को बनाना कितना इजी था और बहुत कम टाइम हमें लगा है इन्हें बनाने में। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ दोज हु आर हैविंग बेबी गर्ल्स। इन सारे डिज़ाइंस में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लेट मी नो अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो भी देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।